Welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 23rd September 2020. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of August 2020 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials this is the list of the topics that we'll cover from today's newspaper and the first article is taken from editorial segment it is about world rhino day and this topic is important from our syllabus paper 6 assam environment point of view तो सबसे पहले देखते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया दिस आर्टिकल हैज़ बिन रिटन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ वर्ल्ड राइनो डे जो हर साल मनाया जाता है ऑन ट्वेंटी सेकेंड सेप्टेम्बर यानी कि कल का जो दिन था वो वर्ल्ड राइनो डे था और ये वर्ल्ड राइनो डे पहली बार अनाउंस किया गया था बाई वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ऑफ साउथ अफ्रीकन चैप्टर इन टू तो कम से कम ए पी एस एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको याद रखना क्योंकि ए, आ, आसाम एग्ज़ाम रिलेटेड चीज़ों के लिए राइनो बहुत इम्पोर्टेंट है तो आ, उसके अलावा देखो वर्ल्ड वाइड राइनो डे इसीलिए मनाया जाता है ताकि राइनोज़ के कंजर्वेशन के लिए अवेयरनेस क्रिएट की जा सके इस साल का जो वर्ल्ड राइनो डे था उसका थीम है फाइव राइनो स्पीसीज़ फ़ॉर तो देखो राइनो के टोटल पाँच स्पीसीज़ होते हैं और उसी पांच स्पेसीज के बेसिस पे इस साल के वर्ल्ड राइनो डे का थीम बनाया गया है फ़ाइव राइनो स्पीसीज़ फॉर एवर तो राइनो को अगर स्पीसीज़ देखें ओवरऑल तो दो तरह के राइनो होते हैं अफ्रीकन राइनो एशियन राइनो लेकिन अगर अफ्रीकन राइनो को भी देखा जाए तो उसमें भी अफ्रीकन राइनो दो टाइप के होते हैं ब्लैक राइनो एंड वाइट राइनो जबकि अगर एशियन राइनोस की बात की जाए तो एशियन राइनोस के तीन टाइप होते हैं ग्रेटर वन हॉर्न राइनो जो हमारे देश में मिलता है खासकर आसाम स्टेट के अंदर उसके अलावा इंडोनेशिया के अंदर दो और एशियन राइनो मिलते हैं उनका नाम है सुमात्रन राइनो एंड जावन राइनो तो टोटल जैसा कि मैंने आपको बताया पांच स्पेसीज हैं उनके बेसिस में ही इस साल के वर्ल्ड राइनो डे का थीम रखा गया है ये पांच स्पेसीज हैं ब्लैक राइनो एंड व्हाइट राइनो टुगेदर दे आर अफ्रीकन राइनो ग्रेट वन हन राइनो और ऑल्सो नोन एज इंडियन राइनो सुमात्रन एंड जावन राइनो टुगेदर दीज थ्री आर नोन एज एशियन राइनोज तो ब्लैक राइनोस के बारे में जरा सा देख लेते हैं देखो ब्लैक राइनोस के टोटल नंबर्स लगभग 6000 के आसपास है दुनिया में अगर रियल पूरी एग्जैक्ट डेटा देखे तो इट इज समवेयर अबाउट 5,700 लेकिन इसके बावजूद भी दे आर लिस्टेड एज क्रिटिकली इन इन आई यू सी एन रेड डाटा बुक और अगर ब्लैक राइनो की बात की जाए तो दे आर मोस्टली फाउंड इन द ईस्ट अफ्रीकन कंट्री जैसे कि केनिया सोमालिया जिबावे तो दे आर फाउंड इन द ईस्ट अफ्रीकन कंट्री ये ब्लैक राइनो दूसरे होते हैं वाइट राइनो वाइट राइनो भी अफ्रीका में पाया जाता है और वाइट राइनो का साइज ज्यादा बल्की होता है अब देखो ये थोड़ा बल्कि साइज का होता है राइनो और इनफैक्ट ये एलिफेंट के बाद लैंड के ऊपर सेकेंड लार्जेस्ट मैमल है तो लैंड के ऊपर एलिफेंट के बाद सेकेंड लार्जेस्ट मैमल है और इसके नंबर्स लगभग 19,000 है दुनिया भर में और इस कारण से इसको नियर थ्री कैटेगरी में रखा गया मतलब इसके ऊपर अभी कोई खास खतरा नहीं है इसके एक्सटेंशन को लेकर के अकॉर्डिंग टू आई रेड डाटा बुक तो ब्लैक राइनो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है जबकि व्हाइट राइनो नियर थ्रेटेड कैटेगरी में है दोनों ही अफ्रीका में मिलते हैं व्हाइट राइनो सिर्फ ये सदर्न अफ्रीकन रीजन में मिलता है जबकि ब्लैक राइनो ये ईस्टर्न अफ्रीकन में मिलता है अगर एशियन राइनो की बात की जाए तो जैसा कि मैंने आपको बताया एशियन राइनोस के भी तीन सब स्पीसीज हैं ग्रेटर वन हॉर्न राइनो जो जिसको हम लोग इंडियन राइनो भी बोलते हैं उसके अलावा जावन राइनो एंड सुमात्रन राइनो ये जो जावा और सुमात्र राइनो हैं दे आर क्रिटिकली इनडेंजर्ड। जबकि हमारा जो अपना ग्रेटर वन हॉर्न राइनो है या इंडियन राइनो है ये वलनरेबल की तरह कैटेगराइज़ किया गया है इन आई रेड लिस्ट और ये जो सारे के सारे तीनों तरह के राइनोज़ हैं दे आर स्प्रेड अक्रॉस इंडिया नेपाल भूटान इंडोनेशिया एंड मलेशिया तो ये जो सारे कंट्रीज़ हैं इंडिया नेपाल भूटान इंडोनेशिया एंड मलेशिया इनको एक साथ मिलाकर के हम लोग कहते हैं एशियन राइनो रेंज कंट्रीज़ लेकिन इसमें भी ये जो हमारा इंडियन राइनो है या वन हॉन राइनो है ये सिर्फ इंडिया में ही पाया जाता है जबकि ये जो सुमात्रा या जावन राइनो है ये नेपाल भूटान इंडोनेशिया और मलेशिया सब में पाए जाते हैं थोड़े थोड़े से अभी प्रॉब्लम क्या है कि राइनोस के ओवरऑल अभी भी उनको थ्रेट है अगर इंडियन राइनो की बात की जाए तो इंडियन राइनोस का नंबर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बढ़ा है लेकिन बाकी सारे जो राइनोस हैं चाहे वो ब्लैक या वाइट राइनो हैं अफ्रीका के या जावा सुमात्रा राइनो हो इंडोनेशिया मलेशिया के उन सब के ऊपर थ्रेट है थ्रेट इज़ अराइजिंग ऑन राइनोज पॉपुलेशन बिकॉज ऑफ डीफॉरस्टेशन लगातार फॉरेस्ट की कटाई की जा रही है बार बार फ्लड आ जाता जा है फ्लड के कारण खासकर हमारे वन हॉन राइनो को नुकसान होता है कई सारे राइनोज हर साल आपको पता है काजीरंगा में मारे जाते हैं बिकॉज ऑफ फ्लड उसके अलावा पोचिंग इज ऑल्सो ए प्रॉब्लम राइनोज की पोचिंग होती है हंटिंग होती है बिकॉज ऑफ न्यूमरस रीजन्स कई सारे सुपरस्टिशन हैं जो इनका हॉर्न होता है उसके उसकी पूजा की जाती है कई सारे ट्राइब्स में और कई सारे ट्राइबल लोग इस कारण से राइनोस को मार देते हैं उसके हॉर्न को निकाल करके उसकी पूजा करते हैं उसके अलावा ऐसा भी मानना है कि राइनोस के जो बॉडी पार्ट्स हैं उसका बहुत सारा मेडिसिनल इम्पॉर्टेंस है कई सारी बीमारियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है वैसे साइंटिफिकली इसको कभी भी इस्टेब्लिश नहीं किया गया है बट फिर भी कई सारे ब्लैक मार्केट में ऐसा माना जाता है कि राइनो के बॉडी पार्ट्स का मेडिसिनल वैल्यू और इस कारण से उनकी इलीगल हंटिंग की, की जाती है और बॉडी पार्ट्स की स्मगलिंग की जाती है और इंटरनेशनल मार्केट में उनकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है अगर इंडिया की बात की जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप देखो सबसे पहले मैं आपको सबसे लास्ट वाला ही पॉइंट पर बता देता हूँ अगर ट्वेंटी सेंचुरी की स्टार्टिंग की बात की जाए लगभग मतलब अभी से 100 साल पहले की बात की जाए तो इंडिया में बस 200 या उससे भी कम राइनो बचे थे वन हॉर्न राइनो बचे थे लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सीरीज ऑफ़ कंजर्वेशन स्ट्रेटजी हमने अपनाया है और आज के टाइम में हमारे देश में थ्री थाउजेंड सेवन हंड्रेड वन हॉन राइनो है सो इट इज अ ग्रैंड सक्सेस इंडिया के अंदर जो राइनोज कंजर्वेशन स्ट्रेटजी हमने अपनाई है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो सब सक्सेसफुल रही है तो अगर कभी भी कोई सवाल आ जाए रिगार्डिंग इन्वयरमेंटल कंजर्वेशन स्ट्रेटजी जिसमें अगर आपको कोई सक्सेसफुल एग्जाम्पल देना हो तो आप राइनोज की कंजर्वेशन स्ट्रैटी अडॉप्टेड इन इंडिया का एग्जाम्पल दे सकते हैं दिस इज द मोस्ट सक्सेसफुल एग्जाम्पल आप देखो 200 से अगर उस टाइम में हमने इनका कंजर्वेशन नहीं शुरू किया होता तो अभी तक वन हॉन राइनो पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो चुके होते लेकिन आज 200 का नंबर बढ़ा करके हमने 3700 कर दिया है वन हॉन राइनोस के पॉपुलेशन को कंजर्व करने के लिए वैसे तो कई सारे अप्रोच लिए गए हैं लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव ली गई थी इंडिया में उसका नाम है इंडियन राइनो विजन ट्वेंटी ये इंडियन राइनो विजन 2005 में स्टैब्लिश किया गया था जिसका पर्पस था कि बाई 2020 हम कम से कम थ्री थाउजेंड वन हॉर्न राइनो बन को की पॉपुलेशन बढ़ा देंगे लेकिन ये प्रोग्राम काफ़ी सक्सेसफुल रहा और टारगेट वाज टू हैव जस्ट थ्री थाउजेंड वन हॉर्न राइनो बट इनफैक्ट बाय 2020 वी हैव नाउ थ्री थाउजेंड सेवन हंड्रेड वन हॉर्न राइनो ये जो इंडियन राइनो विजन 2020 है इसके अंतर्गत सेवन प्रोटेक्टेड एरियाज वेयर आइडेंटिफाइड जहाँ पे राइनोज ज्यादातर मिलते हैं और यहाँ पर राइनोज की कंजर्वेशन स्ट्रेटी अपनाई गई थी ये सारे के सारे आसाम के अंदर हैं ये सेवन प्रोटेक्टेड एरियाज फॉर कंजर्वेशन ऑफ राइनोज पॉपुलेशन वेयर काजीरंगा पॉबीथोरा ओरंग नेशनल पार्क मानस नेशनल पार्क लखोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोरसा पुसारी अबुरा पुसारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिब्रू सैखोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और ये जो इंडियन राइनो विजन 2020 है इसको स्टार्ट करने वाली जो एजेंसीज हैं इसको ए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर आप याद रखेंगे इनको स्टार्ट करने में अलग अलग एजेंसीज़ का काम है आ, आ, रोल प्ले किया है इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन आसाम्स फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल एंड वर्ल्ड वाइड फंड ऑफ इंडिया चैप्टर प्लस यूएस फिश एंड वाइल्ड लाइफ सर्विसेज ये पांच एजेंसीज ने मिलकर के इंडियन राइनो विज़न को लॉन्च किया था और इम्प्लीमेंट किया है एंड दिस इंडियन राइनो विजन वॉज अ ग्रैंड सक्सेस राइनोज के ऊपर एक हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दे रखा है एपीएस एग्जाम के लिए राइनोज आर ऑलवेज इंपॉर्टेंट तो आप इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने के लिए कुछ बेसिक हिंट्स हमने यहाँ पे दे रखें आप इनका इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हैं एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन द नेक्स्ट आर्टिकल टेकन फ्रॉम इंटरनेशनल सेगमेंट इट इज अबाउट टर्की रेजिंग कश्मीर इशू एट यूनाइटेड नेशन दिस टॉपिक इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम आर सिलेबस पेपर थ्री इंटरनेशनल रिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू सो करंट न्यूज समझते हैं सबसे पहले देखो देखो यूनाइटेड नेशन के 75 इयर्स ईयर्स पूरे हो गए हैं 1945 में यूनाइटेड नेशंस को इस्टैब्लिश किया गया था आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू और अब उसके 75 फाइव ईयर्स पूरे हो गए हैं और उस ओकेजन पे दुनिया के जो इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं वो अपना अपना रिकॉर्डेड मैसेज यूनाइटेड नेशंस प्लेटफॉर्म से रिलीज कर रहे हैं इंडिया के प्रधानमंत्री ने भी प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपना रिकॉर्डेड स्पीच यूनाइटेड नेशन प्लेटफॉर्म के लिए रिलीज किया था जिसको हमने अपने न्यूज़पेपर एनालिसिस में डिस्कस किया था जहां मैंने बताया था कि प्रधानमंत्री मोदी हैज प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज़ डिमांडेड फॉर रिफॉर्म्स एट यूनाइटेड नेशन ही हैज डिमांडेड दैट इंडियांबर आट यू एन एस to तो इसी कॉन्टेक्सट में ke के प्रेसिडेंट आर्डोगन ने भी अपना स्पीच रिलीज किया अपना स्पीच दिया टू यूनाइटेड नेशन प्लेटफॉर्म लेकिन इस स्पीच में उन्होंने कश्मीर का इशू रेज कर दिया और उन्होंने कहा कि इंडिया कश्मीर के अंदर जो कश्मीरी लोग हैं उनके एस्परेशंस को दबा रहा है और कश्मीर के अंदर एक तरह का आ, रेफरेंडम कराया जाना चाहिए कश्मीर के लोगों को वोट करके उनको पावर देना चाहिए राइट देना चाहिए कि वो कहाँ कैसे रहना चाहते हैं वेदर दे वांट टू रिमेन पार्ट ऑफ इंडिया और दे वांट टू रिमेन और बिकम इंडिपेंडेंट इस तरह की बातें उन्होंने रेज की ऑन यूएन प्लेटफॉर्म और दिस इज़ क्वाइट कॉन्ट्राडिक्टीड टू इंडियाज स्टैंड ऑन कश्मीर आपको पता ही है कई दफ़ा मैं भी बता चुका हूँ कि इंडिया के स्टैंड कश्मीर के ऊपर बिल्कुल क्लियर है दैट कश्मीर इज इंटरनल मैटर ऑफ इंडिया एंड नो फॉरन कंट्री हैज़ एनी लोकस स्टैंड आई ऑन दिस इशू मतलब कश्मीर इंडिया का हिस्सा है नो no डाउट और इस पर किसी भी फॉरन कंट्री को कोई भी स्टेटमेंट देने की अथॉरिटी या लोकस स्टैंड आई नहीं है फिर भी आ, टर्की प्रेसिडेंट आर्डोगन ने इस तरह का स्टेटमेंट दिया और इंडिया की इमेज टार्निश करने की कोशिश किया एट यूनाइटेड नेशन प्लेटफॉर्म और ऐसा नहीं है कि आर्डोगन ने यह पहली बार किया है आर्डोगन पहले भी कई दफा इस तरह के कश्मीर रिलेटेड इशूज रेज करते रहे हैं एट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स एट ग्लोबल लेवल तो जरा समझते हैं कि आखिर उनके इस रेडिकल अप्रोच के पीछे कारण क्या है वॉट इज हिज बिगर प्लान और विजन देखो मैं पहले भी बता चुका हूँ अब आज फिर से एक बार इस एंगल को समझते हैं टर्की टर्की के प्रेसिडेंट हैं आर्डोगन अब वो टर्की को इस्लामिक कंट्रीज़ का लीडर बनाना चाहते हैं अभी तक इस्लामिक कंट्रीज़ का अनडिस्प्यूटेड लीडर रहा है सऊदी अरबिया क्योंकि सऊदी अरबिया के अंदर जो दो सबसे इम्पोर्टेंट इस्लामिक सिटीज़ हैं वो हैं मक्का और मदीना वो सऊदी अरबिया के अंदर हैं और इस कारण से भी सऊदी अरबिया अभी तक का इस्लामिक कंट्रीज़ का एक लीडर बना हुआ है जो भी इम्पॉटेंट डिसीजन लेने होते हैं खासकर सुन्नी सेक्ट के जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजनस लेने होते हैं वो सऊदी अरबिया लेता है और बाकी सारे कंट्रीज उसको फॉलो करते हैं मोर और लेस लेकिन टर्की सऊदी अरबिया के इस पोजिशन को चैलेंज करना चाहता है और उसके पीछे कारण है सऊदी अरबिया का प्रेजेंट मॉडर्न एंड प्रोग्रेसिव अप्रोच सऊदी अरबिया को अगर आप हाल फिलहाल में एनालाइज़ करें तो आप देखेंगे कि सऊदी अरबिया की पॉलिटिकल सोशल एंड इकोनॉमिक सिस्टम धीरे धीरे चेंज हो रही है सऊदी अरबिया के जो नए किंग हैं मतलब प्रोस्पेक्ट किंग हैं किंग सलमान उनका अप्रोच काफ़ी मॉडर्न है विजनरी है मैंने पहले भी बताया कि वो uh, वहाँ पे कई सारे प्रोग्रेसिव अप्रोच लेकर के आ जैसे वहाँ पे सिनेमा हॉल स्टार्ट हुआ है विमेन आर अलाउड टू ड्राइव सिस्टम को ख़त्म करने की बात की जा रही है नाउ सऊदी अरेबिया इज लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव गुड टाइज विथ इज़राइल ऑलरेडी यू एंड बार डेवलप गुड टाइज विथ इज़राइल तो इस तरीके से सऊदी अरबिया एक मॉडर्न एंड प्रोग्रेसिव अप्रोच अपना रहा है और इसका फ़ायदा उठाना चाहता है टर्की और टर्की अब अपने आप को एक इस्लामिक कंट्रीज़ का लीडर की तरह प्रोजेक्ट करना चाहता है अंडर प्रेसिडेंट टैप आडोगन रेसिप टैय आडोगन और इस कारण से वो काफ़ी रेडिकल अप्रोच ले रहे हैं वो लोग इस्लाम को रेडिकल तरीके से जोड़ते हैं कंजर्वेटिव माइंडसेट में देखते हैं और इस्लाम को उसी तरीके से प्रोजेक्ट करते हैं और वो इन इस अप्रोच को लेकर के वो अपने आप को इस्लामिक कंट्रीज़ का लीडर बनाना चाहते हैं सऊदी अरबिया का जो अनडिस्प्यूटेड पोजीशन है उसको वो चैलेंज करना चाहते हैं और इस कारण से वो कश्मीर के इशू को बार बार रेज़ करते हैं इस कारण से वो बार बार पैलस्तनीस इशू को रेस करते हैं और वो इसराइल को क्रिटिसाइज़ करते हैं और वो कश्मीर के अंदर वो जो कश्मीर का इशू है वो सिक्योरिटी इशू है हमें आपको एक बात अच्छे से जाननी है कि कश्मीर इशू इज़ इस नॉट अ रिलीजियस इशू कश्मीर इज़ इस अ सिक्योरिटी इशू क्रॉस बॉर्डर टेर्रिज़्म फैला रहा है पाकिस्तान इन कश्मीर और इस कारण से कश्मीर के अंदर डिस्टरबेंसेस हैं लेकिन पाकिस्तान और कुछ एक और कंट्री जैसे कि टर्की या फिर मलेशिया ये इस सिक्योरिटी इशू को रिलीजियस एंगल देना चाहते हैं वो कहना चाहते हैं वो इस तरह से प्रोजेक्ट करते हैं कि इंडिया कश्मीर के अंदर जो मुस्लिम पॉपुलेशन उनको हरास करता है एक्सप्लॉइट करता है और इस कारण से कश्मीर के अंदर डिस्टर्बेंसेस हैं तो यही उनका भी अप्रोच है कश्मीर पे वो कश्मीर को एंटी मुस्लिम इशू की तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं ताकि इंडिया की इमेज खराब हो और उनकी खुद की इमेज एक इस्लामिक लीडर कंट्री की तरह डेवलप हो इससे रिलेटेड कई सारे हाल फिलहाल में डेवलपमेंट्स भी या एक्शंस भी उन्होंने लिए मैंने आपको पहले भी बताया कि कैसे उन्होंने हाया सोफिया जो म्यूज़ियम था उसको उन्होंने अब मॉस्क में कन्वर्ट कर दिया तो इस तरह के कई सारे रेडिकल स्टेप्स वो हाल फिलहाल में ले रहे हैं इन ऑर्डर टू प्रोजेक्ट हिमसेल्फ एज़ अ लीडर ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड और अगर आप देखें तो कश्मीर इशू पर इंडिया ने जो तमाम जो मुस्लिम कंट्रीज थे उनका सपोर्ट गेन कर लिया है जैसे सऊदी अरबिया यू ए अफगानिस्तान बांग्लादेश ऑल ऑफ देम हैव सपोर्टेड इंडिया ऑन कश्मीर इशू एंड हैव एक्सेप्टेड दैट कश्मीर इज़ इंटरनल मैटर ऑफ इंडिया लेकिन सिर्फ ये टर्की और मलेशिया ऐसे कंट्री हैं जो पाकिस्तान के क्लेम को सपोर्ट कर रहे उन कश्मीर मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हमारा क्या स्टैंड है और रियल मैटर भी क्या है कश्मीर में कश्मीर के अंदर जो भी प्रॉब्लम है दैट इज़ बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजनस बिकॉज ऑफ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म प्रमोटेड बाई पाकिस्तान इन कश्मीर सो इट इज़ अ सिक्योरिटी प्रॉब्लम बट पाकिस्तान प्रोजेक्ट्स इट एज ए रिलीजियस कन्फ्लिक्ट कि मुस्लिम पीपल आर बीइंग सबॉर्डिनेटेड एंड हरास्ड इन कश्मीर एंड दैट इज वाई देयर इज प्रॉब्लम और इसी अप्रोच को इसी आर्ग्यूमेंट को बाई करता है टर्की एंड मलेशिया अदरवाइज दुनिया के ज्यादातर जो मुस्लिम कंट्री हैं वो ये मानते हैं कि कश्मीर के अंदर जो प्रॉब्लम है दैट इज नॉट अ रिलीजियस प्रॉब्लम दैट इज सिक्योरिटी प्रॉब्लम और जैसे कि कंट्रीज लाइक सऊदी अरेबिया जो सबसे मेजर कंट्री है वो भी इंडिया के स्टैंड को सपोर्ट करता है तो अब जब टर्की बार बार इंडिया के ऊपर अटैक कर रहा है पिछले एक सालों से जब से हमने कश्मीर का स्पेशल स्टेटस को चेंज किया तब से टर्की हमारे ऊपर अटैक कर रहा है तो अब धीरे धीरे इंडिया ने भी अपना पोस्चर टर्की की तरफ चेंज करना शुरू किया है एंड इंडिया इज़ ऑल्सो स्टार्टेड टू टेक सम अग्रेसिव स्टैंड अगेंस्ट टर्की और इंडिया ने हाल फिलहाल में कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिया अगेंस्ट टर्की वो भी जरा देखते हैं देखो टर्की से रिलेटेड एक सवाल मेन्स में ज़रूर आ सकता है और ये सवाल आएगा कि इंडिया ने क्या स्टेप्स लिए हैं टू काउंटर टर्की तो जब टर्की बार बार कश्मीर का इशू रेज कर रहा है तो इंडिया ने भी ह्यूमन राइट्स वायलेशन के इशूज़ रेज़ किए हैं अगेंस्ट टर्की देखो टर्की ने 1915 में आर्मेनिया के अगेंस्ट एक जीनो कंडक्ट किया था आर्मेनियन काफ़ी सारे आर्मेनियन लोग मारे गए थे 1915 में बाय टर्की सोल्जर तो उस इशू को इंडिया अब रेज कर रहा है यूएन एन प्लेटफॉर्म पर इंडिया कह रहा है कि टर्की को इसके लिए अपोलोजाइज करना चाहिए तो एक समझो कि एक स्ट्रैटेजिक अप्रोच अब अप। सौ साल हो गया इस इवेंट को फिर भी इंडिया इस इशू इस को रेज कर रहा है ताकि टर्की को थोड़ा बैकफुट पे लाया जाए उसके अलावा आपको पता है कि टर्की और ग्रीस के बीच में मैरीटाइम डिस्प्यूट चल रहे हैं इसको काफ़ी डिटेल में मैंने डिस्कस किया था इन ऑफ अगस्त तो इंडिया ने अपना पूरा पूरा सपोर्ट ग्रीस की तरफ दिखाया है ग्रीस और सिप्रस एक तरफ है जबकि टर्की दूसरे तरफ है और इंडिया ने इस मैरीटाइम डिस्प्यूट में ग्रीस और सिप्रस को क्लियर तरीके से सपोर्ट किया है जो भी डिप्लोमेटिक विजिट्स शेड्यूल्ड थे इंडिया और टर्की के बीच में वो सारे के सारे कैंसिल हो गए पिछले एक साल में प्राइम मिनिस्टर मोदी वाज टू विजिट टर्की वो विजिट कैंसिल हो गई इवन टर्की प्रेसिडेंट वाज टू विजिट इंडिया वो भी डिप्लोमेटिक विजिट कैंसिल हो गई और उसके अलावा इंडिया गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल को पूरी तरह से मोबिलाइज कर रहा है इंडिया के सपोर्ट में अगेंस्ट टर्की तो गल्फ़ काऑपरेशन काउंसिल क्या है ये दिस इज़ द ग्रुप ऑफ दी सिक्स कंट्रीज़ और इसके बेसिस पे हमने आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दे रखा है आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर आप ध्यान से देखें तो आपको पता चल जाएगा कि गल्फ़ कॉपरेशन काउंसिल में वो सारे कंट्रीज़ हैं जो हार्ड लाइन इस्लामिक कंट्रीज़ माने जाते हैं तो अगर इंडिया ने इन सारे कंट्रीज़ को कन्विंस कर लिया इन ऑर्डर टू सपोर्ट इंडिया ऑन कश्मीर इशू तो फिर टर्की या पाकिस्तान या मलेशिया ज़्यादा कुछ ट्रबल क्रिएट नहीं कर पाएगा फॉर इंडिया द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकेंड फ्राम इकनॉमी सेगमेंट इट इज अबाउट थ्री लेबर कोड्स पास्ट इन लोकसभा दिस टॉपिक इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम आर सिलेबस पेपर फॉर इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू सो देखो लेबर कोड से रिलेटेड कुछ एक आर्टिकल्स हम ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंडिया के अंदर बहुत सारे लेबर लॉज थे और इस कारण से जो एम्प्लॉयर्स थे उनको अननेसेसरी कन्फ्यूजन होता था सो मैनी लेबर लॉज अलग अलग लेबर लॉ को फॉलो करना था होता था बिजनेस को रन करने के लिए और एम्प्लॉयर्स को अननेसेसरी कन्फ्यूजन होता था इस कारण से जब ये प्रेजेंट गवर्नमेंट आई पावरमेंट टू थाउजेंड फिफ्टीन दे डिसाइडेड टू सिंप्लीफाई लेबर लॉज और जो फोर्टी फोर तरह के अलग अलग लेबर लॉज थे उनको सब्ज्यूम करके मिला करके मर्ज करके उन्होंने फैसला किया कि चार बेसिक लेबर कोड्स बनाए जाएंगे दिस बेसिक लेबर कोड्स विल बी लेबर कोड ऑन वेजेस लेबर कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी लेबर कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर कोड ऑन ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैंने पहले भी बताया कि ये जो लेबर कोड ऑफ वेजेस है वो ऑलरेडी पास हो चुका है ये एक्ट बन चुका था ये जो बाकी के तीन लेबर कोड्स थे इनसे रिलेटेड ये न्यूज़ आर्टिकल है ये जो बाकी के तीन लेबर कोड्स थे उनसे रिलेटेड बिल अब लोकसभा में पास हो गया और उसको राज्यसभा में रखा गया है तो ये जो तीन लेबर कोड्स हैं उनके बारे में ब्रीफली समझ लेते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड देखो इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड का पर्पस ही होता है कि जो इंप्लॉयर है और इम्प्लॉयी है उनके बीच में किस तरह से रिलेशन होगा उसको इस्टेब्लिश किया जाएगा अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड ऑफ टू तो इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड को लेकर के पहले कई सारे लॉ थे ट्रेड यूनियन एक्ट द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट कई सारे लॉज थे रिगार्डिंग इंडस्ट्रियल रिलेशन यानी कि ट्रेड यूनियन होते हैं आपको पता होगा कि वर्कर्स होते हैं उनका यूनियन लीडर होता है और कैसे वो यूनियन ट्रेड यूनियन बनेगा कैसे वो अपने डिमांड्स को रखेगा सबके लिए एक्ट्स थे और ये अलग अलग तरह के आक्ट्स थे तो उन सबको मर्ज करके एक कोड बना दिया गया है इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2019 इसका पर्पस क्या है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इंप्रूव करना ऑफ कोर्स जब एक लेबर कोड होगा इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड होगा तो जो बिजनेसमैन है उसको भी आसानी होगी अपने बिजनेस को रन करना सो इट विल इंप्रूव ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्लस देर विल बी बेटर कॉर्डिनेशन बिटवीन ट्रेड यूनियन एंड मैनेजमेंट जब ट्रेड यूनियन को भी क्लियर कट पता होगा कि उसके रू, रू, राइट्स क्या हैं क्योंकि अब बस एक लेबर कोड है तो देयर विल बी सिम्प्लीफिकेशन इन द प्रोसेस एंड इन दिस वे देर कोऑर्डिनेशन बिटवीन ट्रेड यूनियन एंड द मैनेजमेंट अब जो लेबर कोड अभी इस बार पास किया गया है लोकसभा के अंदर इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड जो पास किया गया है लोकसभा के अंदर इसके कुछ की फीचर्स देख लेते हैं या सबसे पहला फीचर है कि अब ट्रेड यूनियन बनाने के लिए एक प्रॉपर सिस्टम लाया गया है रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन पहले कैसा होता था कई सारे इनफॉर्मल ट्रेड यूनियंस भी बन जाते थे लेकिन अब सारे के सारे ट्रेड यूनियन बनाने के लिए एक प्रॉपर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस लाया गया है दूसरा रूल्स ऑफ ले ऑफ तो वो कंपनी जहाँ पे 300 या उससे कम वर्कर्स काम कर रहे हैं उस कंपनी के ओनर को पूरी छूट दी गई है अकॉर्डिंग टू दिस न्यू बिल जब वो कभी भी हायर एंड फायर कर सकता है मतलब कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट दे सकता है अभी तक कैसा है कि 100 से ज़्यादा वर्कर्स जिस भी कंपनी में होते थे उसको फायर करने के लिए वहाँ के वर्कर्स को फायर करने के लिए बहुत सारे प्री कंडीशन फॉलो करने होते थे उनको नोटिस देना होता था दो महीने की सैलरी वो हो देनी होती थी कई सारे प्रोविजन थे लेकिन अब उसको बढ़ा करके वो हंड्रेड के नंबर्स को बढ़ा करके 300 कर दिया गया मतलब अगर आपके यहाँ पे 300 लोग तक काम करते हैं तो आप उनमें से किसी भी वर्कर को किसी भी दिन फायर कर सकते हैं विदाउट गिविंग ए प्रायर नोटिस और विदाउट सीकिंग एनी प्रायर परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट उसके अलावा एक ट्रिब्यूनल बनाई जाएगी इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल है टू रिजॉल्व डिस्प्यूट बिटवीन मैनेजमेंट एंड ट्रेड यूनियन और ये ट्रिब्यूनल हर एक डिसीजन को 30 दिनों के अंदर रिजॉल्व करेगी अगर कोई भी मैटर ट्रिब्यूनल के सामने लाया जाएगा इट विल रिजॉल्व द डिस्प्यूट विद इन थर्टी डेज जो दूसरा कोड है दैट इज़ रिगार्डिंग ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड तो वर्कर जिस कंडीशन में काम करते हैं वो कंडीशन हेल्दी होना चाहिए उनके हेल्थ के ऊपर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए इसको लेकर के पहले कई सारे लॉज थे देयर आर वेर थर्टीन लॉज हु टॉक्ड अबाउट दिस फैक्टर हेल्थ एंड ऑक्यूपेशनल सेफ्टी ऑफ वर्कर्स अब उन सबको मर्ज करके एक कोड ला दिया गया है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड ऑफ 2019 इसका एम क्या है ऑफ कोर्स एम इज़ टू इंप्रूव वर्किंग कंडीशन ऑफ द वर्कर्स इस कोड के हिसाब से देअ देर विल बी नाउ अ नेशनल बोर्ड जिसका नाम होगा नेशनल ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडवाइजरी बोर्ड जो टाइम टू टाइम सरकार को गवर्नमेंट को एडवाइज़ करेगी कि क्या क्या सेफ्टी कंडीशंस होने चाहिए वर्किंग एरियाज़ में और वो सेफ्टी कंडीशंस गवर्नमेंट टाइम टू टाइम फिर इम्पोज करेगी ऑन इंडस्ट्री तो ये बोर्ड टाइम टू टाइम स्टैंडर्ड डाउन करेगा रिगार्डिंग सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एंड दैट एडवाइस विल बी गिवन रिकमेंडेशन विल बी गिवन टू द गवर्नमेंट उसके अलावा देर विल बी अ प्रॉपर अपॉइंटमेंट लेटर टू एवरी एम्प्लॉई अगर वो एक दिन के लिए भी नौकरी पे रखा जा रहा है तो उसका एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए प्रॉपर दिक्कत क्या होती थी कि इस तरह से लोग बहुत सारे कैजुअल वर्कर्स को अपॉइंट कर लेते हैं और उसको अगर कोई चोट भी लग गई कुछ नुकसान भी हो गया तो फिर उसको प्रॉपर कंपनसेशन नहीं मिल पाता था क्योंकि उसको ऑफिशियली वो लोग रजिस्टर नहीं करते थे तो अब जब हर एक एम्प्लॉय को प्रॉपरली उसको रजिस्टर करके ही काम कराना होगा तो इससे फिर अगर उसको कोई चोट लग जाती है कुछ नुकसान होता है तो उस केस में उसको प्रॉपर कंपनसेशन मिलेगा और अगर वर्क प्लेस पर कुछ एक्सीडेंट हो जाता है बिकॉज ऑफ नेग्लिजेंस बाय द एम्प्लॉयर देन देर विल बी ह्यूज पेनल्टी ऑन द एम्प्लॉयर फॉर द एक्सीडेंट एट वर्क प्लेस उसके अलावा जो तीसरा कोड है कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी सोशल सिक्योरिटी का मतलब आई होप आप समझते ही हैं कि एक एम्प्लॉय अगर आपके यहां काम करता है तो उसको पेंशन का फ़ायदा मिलना चाहिए उसको एम्प्लॉयमेंट फंड मिलना चाहिए उसको पीएफ एफ फ़ंड uh, मिलना चाहिए प्रोविडेंट फंड मिलना चाहिए उन सबको हम कहते हैं सोशल सिक्योरिटी मतलब उसके ऊपर अगर कोई und, uh, कोई एक्स्ट्रॉडनरी सरकमस्टांसिस वो, वो अपने आप को सिक्योर कर सके सिक्योर फील करे इस वो सारे कंडीशंस को हम लोग कहते हैं सोशल सिक्योरिटी नॉर्म्स तो हर एक एम्प्लॉय को चाहे फॉर्मल हो या इनफॉर्मल हो उसको कुछ ना कुछ सोशल सिक्योरिटी जरूर मिलनी चाहिए कि कल होकर के मान लो कोई भी एक्स्ट्रॉडनरी सर्कमस्टांसेस अराइज हो जाए तो वो एम्प्लॉय कम से कम सर्वाइव कर पाए इसके लिए भी पहले कई सारे कानून थे इंप्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड मैटर्निटी बेनिफिट एक्ट उन सबको मिला करके एक सिंपल कोड बना दिया गया कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी ऑफकोर्स इसका एम है यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी ऑफ वर्कर्स इसके फीचर्स कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स देख लेते हैं अब भारत सरकार विल एक एक फंड बनाएगी सोशल सिक्योरिटी फंड इस फंड की मदद से एक सेंट्रल फंड बनाएगी भारत सरकार और इस फंड की मदद से इंश्योरेंस पेंशन हेल्थ इंश्योरेंस फॉर अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स को दिया जाएगा देखो दिक्कत क्या है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में तो वर्कर्स को सब मिलता है इंश्योरेंस भी, भी मिलता है ग्रेचुटी फंड भी मिलता है प्रोविडेंट फंड भी मिलता है लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्कर्स को कुछ नहीं मिलता तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के लिए भारत सरकार एक स्पेशल सिक्योरिटी फ़ंड बनाएगी सोशल सिक्योरिटी फंड बनाएगी जिसकी मदद से इन सारे अनऑर्गेनाइज वर्कर्स को भी इंश्योरेंस की फैसिलिटी पेंशन की फैसिलिटी दी जाएगी ऑफ कोर्स वर्कर्स को उसके लिए थोड़ा कॉन्ट्रीब्यूट करना होगा अपनी सैलरी से थोड़ा बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन करना होगा उस फंड की तरफ तब जाकर के उनको पेंशन का फ़ायदा मिलेगा लेकिन इस बेनिफिट को अवेल करने के लिए आधार कार्ड मैंडेटरी होगा और जो इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड कवरेज है पहले कैसा था कि इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड कवरेज सिर्फ फॉर्मल सेक्टर्स के लिए था लेकिन अब हर एक वो सेक्टर जहां पे 20 या उससे ज्यादा वर्कर्स काम करते हैं उन सब जगहों पे जो इंप्लॉयर्स हैं उनको अपने अपने एंप्लॉयी को प्रोविडेंट फंड देना होगा दैट इज द न्यू रूल अकॉर्डिंग टू दिस कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी टू तो अगर मान लो कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर बीस से ज्यादा वर्कर है तो वहां का जो इंप्लॉयर है उनको अब सारे के सारे वर्कर्स को प्रोविडेंट फंड भी देना होगा प्रोविडेंट फंड कैसा होता है सैलरी का एक सर्टेन हिस्सा जमा किया जाता है ताकि किसी एक्स्ट्राऑर्डनरी सर्कमस्टांसिस में वो बल्क अमाउंट उस एम्प्लॉय के वेलफेयर के लिए इस्तेमाल किया जा सके In our segment, most probable PT topics for upcoming APSC today will cover topic number 42 42. Topic number 40 is about Emerging Northeast 2020 Conference. The third edition of Emerging Northeast 2020 Conference was conducted by Association of Chambers of Commerce and Industry of India. As this conference was held in Gohati. Please attempt this question that is based on topic number 40. टॉपिक नंबर फोर्टी वन इज़ अबाउट मकतब मकतब मीन्स बेसिक लिटरेसी टीचिंग अलोंग विथ टीचिंग ऑफ कुरान इट वॉज यूज इन द नेम ऑफ सिक्सटी थ्री स्टेट स्कूल्स तो आसाम स्टेट के अंदर कम से कम सिक्सटी थ्री ऐसे स्कूल्स थे जिनको जिनके नाम के आगे मकतब लगा हुआ था ये दिस टर्म मकतब वॉज इन न्यूज़ बिकॉज द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ आसाम डायरेक्टेड टू रिमूव द वर्ड मकतब फ्राम द नेम्स ऑफ सिक्सटी थ्री प्राइमरी स्कूल्स इन आसाम तो ये टर्म मकतब इस साल न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि तिरसठ सिक्सटी थ्री ऐसे स्कूल्स थे जिनके नाम के आगे टर्म मकतब लगा हुआ था आसाम सरकार ने एक ऑर्डर रिलीज किया कि ये मकतब वर्ड हटाना है अब स्कूल्स के नाम के आगे से इस कारण से ये टर्म न्यूज़ में था एंड आई होप आई थिंक ये सवाल पूछा जा सकता है आने वाले फिल्म एग्जाम में प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन दैट इज बेस्ड ऑन टॉपिक नंबर फोर्टी वन टॉपिक नंबर फोर्टी is about jugo sandhya snar book this book has been written by dr bhupendra rai chaudhary and in this book he discusses the history of Gohati city from 1851 to 1950 please attempt this question that is based on topic number 42 this is the answer of question number 37 to 39 that we had given in yesterday's newspaper analysis today's question can be attempted by students and you can submit the answer in the comment section we will be setting answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis कल जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसके आंसर एक बार डिस्कस कर लेते हैं जो पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन था उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी बिकॉज द फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग मैंने बताया था कि आईपीसीसी वाज सी बाय वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग बट द सेकेंड स्टेटमेंट इज राइट साउथ अफ्रीकन सउन अफ्रीकन टेम्परेचर इज राइजिंग ट्वाइस एज द ग्लोबल एवरेज सेकेंड प्रैक्टिस क्वेश्चन था रिगार्डिंग एमएसपी इसकी प्राइस रिकमेंड करती है सी ए सी पी कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस ये रिकमेंड करती है भारत सरकार को और भारत सरकार उसके रिकमेंडेशन को मान भी सकती है या रिजेक्ट भी कर सकती है सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी क्वेश्चन थ्री था स्टेटमेंट अबाउट एमएसपी तो एमएसपी इज अ प्राइस इंश्योरेंस स्कीम इट इज़ नॉट ए क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम कैसा होता है कि अगर क्रॉप बर्बाद हो गया तो उस केस में भारत सरकार या जो भी इंश्योरेंस एजेंसी है वो पैसा देती है तो जिसका एग्जाम्पल हो सकता है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लेकिन एम एस पी इज़ नॉट एग्जाम्पल ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस इट इज एग्जाम्पल ऑफ प्राइस इंश्योरेंस सो आंसर विल option ऑप्शन ए वन ओनली all ऑल फ्रॉम आर साइड फॉर टूडे थैंक्स फॉर वॉचिंग